दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट प्रीमियम और पावरफुल लैपटॉप्स जो 70,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। ये सभी लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स हैं जिनमें आप सभी हाई एंड टास्क कर सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लैपटॉप्स में आप प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, हाई लेवल की गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और लगभग सभी हेवी टास्क एकदम स्मूथली कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने आपके लिए 6 लैपटॉप्स सिलेक्ट किए हैं, उनमें से 4 स्लिम सीरीज के पावरफुल लैपटॉप्स और 2 डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल स्पेसिफिकेशन फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माई नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 4 स्लिम सीरीज के लैपटॉप्स जो कॉम्पैक्ट डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 4 से। तो नंबर 4 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2। दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आने वाला एक डिसेंट लैपटॉप है जिसमें बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और फीचर्स काफी बेटर देखने मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस वर्क और थोड़े बहुत मॉडरेट टास्क के लिए कोई स्टाइलिश लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। यह 15.6 इंचेस की फुल एचडी एलईडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन और एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल 12 जनरेशन i5 1235U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 32,000 मेगाहर्ट्ज 8GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD प्लस एक एक्स्ट्रा PCIe स्लॉट, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल माइक्रोफोन, HD वेबकैम और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट और USB 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 54 वाट 4 सेल लिथियम आयन बैटरी 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 6-8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस 60,000 से लेकर 65,000 के बीच फ्लक्चुएट होती रहती है, जो ऑफर्स वगैरह में आपको 60,000 के अंदर भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ओवरऑल फीचर्स, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको टॉप नॉच मिलती है, साथ ही इंटेल के लेटेस्ट 12 जनरेशन का एक पावरफुल प्रोसेसर भी मिलता है। तो अगर आपका बजट 60,000 के अराउंड है और नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई कॉम्पैक्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है HP Pavilion 14। दोस्तों, HP की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लैपटॉप है। इसके अलावा इसमें आपको फुल टच IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आप एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप इस प्राइस में लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको 16GB की रैम भी प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। यह 14 इंचेस की फुल टच IPS LCD डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन और मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ। इसके अलावा इसमें 12 जनरेशन इंटेल i5 1215U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 32,000 मेगाहर्ट्ज 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, बिल्ट इन एलेक्सा और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 41 वाट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस 69,000 रुपीज है, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 65,000 तक मिल जाता है। इस प्राइस में एक फीचर रिच कॉम्पैक्ट लैपटॉप है जिसमें आपको फुल टच डिस्प्ले मिल जाएगी, साथ ही इसमें आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट लेवल की मिलती है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप फुल टच डिस्प्ले के साथ लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलता है नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Acer Swift 3। दोस्तों, इंटेल की Evo 3 सीरीज का एक कॉम्पैक्ट, लाइटवेट, पावरफुल और प्रीमियम लैपटॉप है। इसमें आपको एक P सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जो नॉर्मली U सीरीज के प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। यह आता है 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें 12 जनरेशन इंटेल i5 1240p 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल आईरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 32,000 मेगाहर्ट्ज 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 56 वाट आवर 4 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 7-8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। ये भी आपको 69,000 रुपीज के करीब देखने मिलता है, जो ऑफर्स वगैरह में आपको 65,000 तक भी मिल सकता है। प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलती है। अगर आप थोड़े बहुत हेवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, कोडिंग
और प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए कोई कॉम्पैक्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं स्लिम सीरीज के नंबर एक की तरफ। तो नंबर एक पर आता है Asus VivoBook Pro 14 OLED। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, हाई लेवल की गेमिंग, 4K एडिटिंग और वीडियो कलर करेक्शन जैसे हेवी टास्क करने के लिए कोई कॉम्पैक्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इससे बेस्ट लैपटॉप आपको इस प्राइस में कोई नहीं मिलेगा। इसमें Ryzen 7 प्रोसेसर और NVIDIA RTX सीरीज का पावरफुल कॉम्बिनेशन मिलता है, साथ ही OLED डिस्प्ले भी मिलती है, तो एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है जिसे आप बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। याद है 14 इंचेस की 2.8K OLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 600 निट्स की ब्राइटनेस, 100% NTSC कलर गैमेट और 2080x1800 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें Ryzen 7 5800H 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, NVIDIA RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 32000 MHz 16GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और दो USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 50 वॉट आवर्स 4 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 6 टू 8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 65,000 रुपीज है जो इस प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज में लेना चाहते हैं तो बिना सोचे इसे परचेस कर सकते हैं और मेरी तरफ से भी आपको इस प्राइस रेंज में हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। वैसे इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आप देखते हैं दो ऐसे डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स जिनमें आप लाइव स्ट्रीमिंग, हाई एंड गेमिंग और 4K वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी टास्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर दो से। तो नंबर दो पर आता है डेल गेमिंग G15। अंडर 70,000 रुपीज में आने वाला बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। यह 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर VA पैनल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें Ryzen 5 5600H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, NVIDIA RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 32000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, RAM को आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। वैसे इसकी कंपेटिबल RAM और SSD की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन और बैकलाइट कीबोर्ड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, RJ45 पोर्ट और तीन USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 56 वॉट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अभी आपको 70,000 रुपीज में मिल रहा है जो प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट गेमिंग लैपटॉप है। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है, साथ ही गेमिंग परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर एक की तरफ। तो नंबर एक पर आता है Lenovo IdeaPad Gaming 3। दोस्तों इस प्राइस में ये जो फीचर्स ऑफर कर रहा है फिलहाल आपको किसी और लैपटॉप में देखने नहीं मिलते। अगर आप एक पावरफुल प्रोसेसर और GPU वाला लैपटॉप चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। यह 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें Ryzen 7 5800H 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 32000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, RAM को आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। उसी के साथ LED बैकलाइट कीबोर्ड, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, बिल्ट इन Alexa और 3 मंथ्स का गेमिंग पास जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट और दो USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 45 वॉट आवर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 4 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 65,000 रुपीज है जो इस प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आप एक गेमिंग, मल्टीटास्किंग, 4K एडिटिंग और एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इनके कंपेटेबल रैम और स्टोरेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट लैपटॉप जो 70,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।